पुजारी हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा, हत्यारा गिरफ्तार, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में शिव मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या करने का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करने के बाद हत्या आरोपी को न्यायालय में पेश किया। एसपी चक्रेश मिश्रा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुजारी से बदला लेने को लेकर युवक ने हत्या की थी। बता दें कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मालागढ़ स्थित शिव मंदिर के पुजारी रोशन लाल सैनी की मंगलवार देर रात पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को पुजारी की हत्या से संबंधित ऐसे सुराग हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों बाद ही हत्या आरोपी राजू को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के अनुसार मंगलवार की रात को भी आरोपी पुजारी के पास गया था, जहां वो खाना खाने लगा। खाना खाने पर पुजारी ने उसे गालियां दी। इसी अपमान से तिलमिलाए आरोपी ने भारी पत्थर से पुजारी के सिर पर वार कर दिया, जिससे पुजारी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मौलागढ़ी मिल्क निवासी युवक राजू ने सिर में पत्थर मारकर पुजारी की हत्या की है। इससे पहले मंदिर में हुई चोरी की घटना घटी थी, जिसमें पुजारी ने पुलिस से राजू की शिकायत की थी और पुलिस ने राजू को चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, बाद में जेल भेज दिया था। जमानत पर आने के बाद से ही राजू मंदिर के पुजारी से रंजिश रखने लगा था और बदला लेने की कोशिश में था। इसी के चलते वो पुजारी के पास पहुंचा, जहां उसने भारी पत्थर पुजारी के सिर पर मारकर उनकी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। आज सुबह चंदौसी थाने के अंतर्गत मिलक मौलागढ़ के पास में एक शनि मंदिर है, वहां से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर जो पुजारी हैं उनका वहीं मंदिर के बगल में बनी हुई कोठरी में उनका शव मिला है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहां पर उनके सिर पर किसी भारी पत्थर से प्रहार करके उनकी हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए चार घंटे के अंतर्गत राजू पुत्र नन्ने निवासी मिलक मौलागढ़ थाना चंदौसी, जिसकी उम्र 30 वर्ष के करीब है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो पत्थर था उसको भी बरामद कराया गया है और घटना करना कबूल किया गया है। इसके अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है, इसको अब गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि ये इसके ऊपर एक बार पुजारी के कहने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुजारी के द्वारा शिकायत की गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए उसने आज पुजारी को इस तरह से उसकी हत्या की है। इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है।